नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ जुआल रियलिटी मीडिया से। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक्सपर्ट ओपिनियन में। आज जो बात करने वाले हैं वो है रियल स्टेट से जुड़े आम आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सर, आज की डेट में रियल स्टेट में जो इतना पैसा इन्वेस्टेड है, आम आदमी का जो पैसा लगा है सर, उसको उसका राइट के हिसाब से उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हर आम आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कैसा है कि इट इज समथिंग लुक्रेटिव। वो अपना जो सपने सजो रखता है उसको सोचता है कि मैं भी एक घर बनाऊ, मैं भी कहीं पे प्रॉपर्टी लू। और मेरे ख्याल से ना इंडिया में क्या होता है कि हर एक आम आदमी का, आम इंसान का ये सपना होता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी बेस्ट पॉसिबल जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो रियल एस्टेट में बनती है। तो इसलिए वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। अपनी सारी जो जिंदगी की कमाई है, सारा पैसा उसने, हार्ड अर्न मनी सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। वहां पे जो उसको दिक्कतें आती है, जो आप समस्याएं की बात कर रहे हैं, समस्याएं वहां पे आती है कि जब उसको रिटर्न नहीं मिलता। रिटर्न पे भी दो तरह की बात है। एक तो पोजीशन नहीं मिलता, उन्होंने किसी पे भरोसा करके पैसे दिए अपने, वहां उन्होंने काम नहीं किया, फ्लैट बनाने तो फ्लैट नहीं बनाए, अगर कोई और डेवलपमेंट करनी थी वो नहीं की। सर, इसी से जुड़ी मैं एक और आपसे चीज पूछूंगा। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं इस समस्या के समाधान के लिए, पर सर उसका क्या क्या फायदा मिल रहा है एक आम आदमी को, आपकी राय में इसके क्या? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एज ए लॉ फर्म, हमारी लॉ फर्म है लीगल जस्ट एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स। हम सभी लॉयर्स हैं, हमारी टीम यहाँ पे है। तो हमने जो है काफी इसमें ये फेस किया है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हमारे पास इतने ज्यादा केसेज हैं रियल एस्टेट के ही। जो आप कानून की बात करते हैं, तो आज की डेट में कानून सबसे जो ज्यादा लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और जो इसमें बचता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कोई इस पे स्पेशल लॉ है ही नहीं। अगर कोई कहीं पे अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं क्लाइंट को कि आप पुलिस कंप्लेन कर दो। पुलिस का मामला तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। वहां पे कोई आदमी जाना ही पसंद नहीं करता। ऐसा महसूस होता है कि हम कंप्लेन करने आए हैं या उल्टा हमारे लिए मुसीबत पैदा होगी। वो तो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए था ना, वो एनवायरनमेंट है नहीं। इसलिए लोगों के पास में सिर्फ ऑप्शन क्या बचे, या तो सिविल कोर्ट में जाएंगे या कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे या सिविल कोर्ट में जाएंगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो नहीं पता। अच्छा सर, आजकल आप देख ही रहे होंगे जैसे रियल एस्टेट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो सर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट देके और टाइमली पोजीशन ना देके ये पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर सर किसी का जुड़ा हुआ पैसा अगर ऐसे हाथों में इन्वेस्ट होगा तो सर उसमें आम आदमी की तो होप सारी मर गई है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट ये प्रोवाइड करते हैं? मेरे ख्याल से ना इसमें दो बातें हैं। एक तो जो बिल्डर की बात होती है, तो बिल्डर इतने ज्यादा है मार्केट में और अपने आप को हर बिल्डर रेपुटेड बिल्डर बोलता है। बट दुख इस बात का कि जितने रेपुटेड बिल्डर्स हैं उन सब के, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरे पास में सभी बिल्डर्स का केस में केसेस हैं। और साथ में जब क्योंकि हम लॉ फर्म है तो बिल्डर्स भी हमारे क्लाइंट है, हमें उनका भी ध्यान देखना है। तो हम पर्सनली स्पीकिंग हमारा ये मानना है कि जो भी हो काम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम बिल्डर्स के साथ में जुड़ते हैं तो बिल्डर को भी ये एडवाइस करते हैं कि आप कोई गलत काम ना करें, उनको भी हम कानून के बारे में अवेयरनेस बताते हैं, क्रिमिनल लॉ भी है। बट अगर जो मैं क्लाइंट के बारे में देखूं तो क्लाइंट हर बिल्डर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है क्योंकि सभी बिल्डर्स ने धोखा दे रखा है। जो आपने कमिटमेंट की बात बताई है, कमिटमेंट जिनका भी है, रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, जाके पता लगता है अभी तो इन्होंने लैंड ही एक्वायर नहीं की, सपने तो दिखा दिया, उसमें पूरी बिल्डिंग भी है, गाड़ी भी है। मेरे ख्याल से आजकल तो गाड़ी भी फ्री में दे रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। बट पता लगता है वो है कौन। अगर अभी तक जमीन ही नहीं खरीदी, अभी तो वो जेवी करके बैठे फार्मर्स और लैंड ओनर्स के साथ में, उसके बाद में उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, फ्लाई बाय नाइट उनके ऑपरेशंस होते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं। आप जनरल, आपको तो पता है हमारे तो नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, हर जगह केसेज है, सभी बिल्डर्स के अगेंस्ट केसेज है। जो एक ही लॉ बचता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कॉमन मैन के लिए अवेल, जो कॉमन मैन अवेल कर सकता है। तो उसमें भी कितना टाइम पीरियड लग जाएगा और ये यू नेवर नो, बिकॉज हमारा इतना ज्यादा एक्युमुलेटेड है कंज्यूमर मैटर्स भी, दैट कोर्ट्स ऑलरेडी जो है ओवरलोडेड है मैटर्स के साथ। तो
उसमें हमें डेट ही नेक्स्ट 6 मंथ से कम नहीं मिलती, तो कंज्यूमर वहां पर पॉपुलेस हो जाता है। पर अभी गवर्नमेंट ने एक जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, रेरा एक्ट, और बड़ी अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है इसमें। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े फास्ट तरीके से चल रहा है। अप्रैल मई के आसपास 2017 इसी साल में अभी ये इम्प्लीमेंट भी होगा, और इसके लिए सेपरेट अथॉरिटीज बनेगी। जो भी रियल एस्टेट की समस्याएं उसकी ओनली अथॉरिटीज में जाएंगे, बट इसको समझने की जरूरत है। अभी जो है ना, लैंड जो है इट इज ए सब्जेक्ट, अ स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस है स्टेट सब्जेक्ट है, कोर्ट है स्टेट सब्जेक्ट है, तो सभी स्टेट्स को अपने अपने अथॉरिटी सेटअप करनी है। अब कितना प्रोएक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखती है वो भी हमें देखना होगा अभी आने वाले टाइम में। बट जितना मेरे को समझ में आ रहा था, आज का जो इकोसिस्टम है काफी चेंज है, लोगों का माइंडसेट जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू ब्यूरोक्रेट्स एंड कोर्ट्स एंड एवरीबॉडी, वो माइंडसेट काफी चेंज हो रहा है। और लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा एक इन्फोर्समेंट का उनके हाथ में टूल हो, और वो भी वैसा ही ऑर्डर पास करे। और हम एज ए लॉयर हम भी ये चाहते हैं कि हम भी कोई स्पेसिफिक रेमेडी ढूंढे जिसपे हमें जल्दी समस्या का समाधान मिले और हमें रेमेडी फास्ट मिले, इफेक्टिव हो। तो सर आपका कहना बेसिकली ये है कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जो इस चीज सारी चीजों को रेगुलेट करे। ठीक है सर। सर अभी हम जैसे एक बात करें कि अगर कोई बिल्डर है और उसने टाइम से पोजीशन नहीं दिया, उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइमली नहीं हुआ, तो उसको अभी जो हमारे पास लॉ है उसके हिसाब से 2 या 2 से 3% इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। पर अगर कस्टमर एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा अगर वापस लेना चाहता है तो उसे 16 से 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सर ये बायसनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत है। देखो जब एक इन्वेस्टर जाता है ना, एक कस्टमर जाता है और जाके बोलता है कि मेरे को आपके यहाँ पे फ्लैट खरीदना है, तो उनका क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे सपने उन्होंने दिखा रखे होते हैं। वहां पे एग्रीमेंट पे साइन करने का उनको ये नहीं होता, मौका नहीं मिलता कि इस एग्रीमेंट भी पढ़ लें, वो इनके बुकलेट होती है, ठीक है ना दीपा? तो वो बुकलेट को उनको साइन करना पड़ता है, जहां वो कहेंगे वहीं पे साइन करना पड़ता है। मेरे को तो ये भी नहीं पता, मतलब ऐसे कस्टमर आते हैं कि सर आप ही बता दो साइन भी कहाँ करने हैं। मतलब इतना मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए, इस तरह का समझने की जरूरत है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी होगी तो उसमें भी बोल देंगे साइड में साइन कर दो, वो बेचारा क्या करे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने लेके बैठा, उसको पूरी उम्मीद है। आप किसी इंसान का फेथ देखो, कितना ज्यादा भरोसा करके उसने उस पर साइन किया, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जी अगर हमने डिले किया प्रोजेक्ट तो आपको मिलेगा 6%, अगर आपने पेमेंट नहीं की टाइम पे तो आपको 18% देना पड़ेगा। ये बायसनेस नहीं है तो और क्या है? बट मेरे को ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि काफी कोर्ट्स ने इस चीज को ओवर रूल किया, और उसमें कोर्ट का ये मानना है कि ये जो यूनिलैटरल एग्रीमेंट है ये वन साइडेड है, ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करना ठीक नहीं है। इन्फोर्स वो चीज होनी चाहिए जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर आप हम से आप 18% इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो आप भी तो 18 ही दो। बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनमें बड़ा अच्छा नेशनल कमीशन का भी ऑर्डर आया जिसमें अच्छा कंपनसेशन नेशनल कमीशन ने अवॉर्ड किए, एंड आई थिंक इट इज अ गुड प्रेसिडेंट। ये ना डेटरेंस सेट करता है कि लोगों को ये मनमाने तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आजकल अगर हम आज की बात करें तो बिल्डर्स को लेकर ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब एक अप्रूवल या प्रोसीजर डिफिकल्टीज के बावजूद वो अपना प्रोजेक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं या कस्टमर्स को कह रहे हैं इन्वेस्ट करो। तो सर एक कमांड जो होनी चाहिए एक बिल्डर के ऊपर, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कब तक आ सकती है सर? आई थिंक ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि कंप्लेंट करने जाते हैं कंज्यूमर्स और उनको ये समझ में नहीं आता कि कंप्लेंट कहाँ करें। मेरे ख्याल से ये भी होता है कि कानून भी नहीं है, कौन से कानून में कंप्लेंट करें। अगर कानून है तो उसमें वो स्पेसिफिक जो चीज ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। तो अब देखिए जनरली तो क्या होता है कि आईपीसी हमारे यहाँ पे अगर किसी ने क्राइम किया, गलत मिसरिप्रेजेंटेशन दी है और लैंड भी नहीं है या बहुत सारी चीजें जो मिसिंग है,
या प्रोजेक्ट कंप्लीशन में भी उनकी इंटेंशन खराब है तो आईपीसी में प्रोविजन है जो उनका है, क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस विल अरेस्ट देम और मतलब उनको जेल की सजा भी होती है। ये तो हुई एक बार, बट आईपीसी अपने आप में एक ऐसा है, एग्जॉस्टिव लॉ है, एक जनरल लॉ है किसी भी तरह का। अब जो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट की, जो 2016 का लॉ है, उसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रियल एस्टेट में अगर कोई कंप्लेंट है तो वो जो अथॉरिटी होगी, वो अथॉरिटी को भी पावर होगी कि वो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो एंटरटेन कर सकते हैं। उसके अलावा और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो मेरे ख्याल से आज की डेट में बेंट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है कि उसमें गवर्नमेंट खुद चाहती है कि अगर कोई डिफॉल्टर्स है तो उनको सिविल की बजाय में क्रिमिनल पेनल्टी रहे या क्रिमिनल उनको जो है सजा हो या प्रोसिक्यूशन शुरू हो। साथ के साथ क्रिमिनल में भी लोग नहीं डरते, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है मैं उसको गलत ना कहने की बजाय मैं उसमें लेकुनाज आपको ना हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर कोई कोई किसी को जेल भी हो जाती है तो सबसे पहले ये बात करता है ये मैं कितनी देर में बाहर आऊंगा, पहले तो वो ढूंढेगा बेल का रास्ता, दूसरा फिर वो कहेगा कि मैं कैसे इस केस से बाहर हो जाऊंगा। अगर कोई एक इंसान है जिसने काफी करोड़ों का घपला कर लिया और उसको कुछ महीने की सजा हो जाती है तो वो ये कहेगा यार ये अच्छा है, मतलब ये जो माइंडसेट है वो गलत है। हाँ, बट अच्छा काम किया है कि भाई पहले आप पैसे वापस दो उसके बाद आपको जेल से बाहर जाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। ये जो प्रेसिडेंट्स है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। सर थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, और सर हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉमन आदमी को कुछ ऐसी ऐसी राय दें जिससे वो इन्वेस्टमेंट तो करे पर ढंग से करे सर, उसका पैसा ना अटके, तो आपके क्या शब्द होंगे सर कुछ? मेरे ख्याल से ना आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक चीज आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि जो जो आप जब भी कभी कोई एग्रीमेंट आप साइन करें तो एग्रीमेंट से पहले बल्कि आप रेपुटेशन जरूर देखें बिल्डर की, ठीक है, और रेपुटेशन पे अंधविश्वास भी ना करें, फिर उसके एग्रीमेंट्स देखें, एग्रीमेंट्स में क्या क्लॉजेज है उन पे डिबेट करें, बहस करें। और जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बहकावे में ना आए। लोग क्या करते हैं, अरे सर ये एग्रीमेंट तो फॉर्मेलिटी के लिए है, आपको पोजेशन मिलेगा मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना है उससे बाहर निकले। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अगर कहीं करना है तो कर लो, आजकल तो ईमेल का भी एक्सेस है, आप जिस सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं उसी से जाके बात करो कि अपना ईमेल आईडी दो, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मेल भेज रहा हूँ, आप मेरे को कंफर्म कर दो। मेरा एक मानना है कि कुछ ना कुछ रिटर्न एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कन्वर्सेशन है उसमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी, ज्यादा क्लैरिटी आएगी तो हम इन्फोर्स भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो सिर्फ फेथ की बात है, फेथ से बाहर निकल के भी थोड़ा लोगों को सोचना होगा, और दूसरों पर विश्वास करने से ज्यादा है दूसरों की जो बातें हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो वो ज्यादा अच्छा है।